हाय, दिस इज आयशा फरीद खान ज़ादा। आज हम क्लास 9 में पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के किस तरीके से फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन, जैसे हम जनरेशन वाइज आगे जा रहे थे तो हमारे पास क्या हार्डवेयर में चेंजेस थे और क्या चेंजेस हमारे पास सॉफ्टवेयर में आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1945 to 1956। वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो इसकी मेन इन्वेंशन थी। थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज होती थी, लेकिन कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, बहुत ज्यादा पावर यूज करती थी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करती थी। साइज इनका बहुत ज्यादा था, एक्सपेंसिव थी बहुत ज्यादा, और मशीन लैंग्वेज यूज करती थी। पंच कार्ड पेपर इसमें यूज होते थे, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, लेकिन ये फास्टेस्ट थी कैलकुलेशन में, 5000 एडिशन और 350 मल्टीप्लीकेशन इन 1 सेकेंड। इसकी एग्जाम्पल्स में ENIAC है, EDIVAC है और UNIVAC 1 भी इसकी एग्जाम्पल में आता है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 to 1963। ट्रांजिस्टर्स ने जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था। ट्रांजिस्टर्स जो है वो हम यूज करते थे तो वो थोड़ा साइज में छोटे थे और स्पीड भी बहुत थी, लेकिन थोड़े चीपर थे और रिलायबिलिटी आ गई थी, लेकिन एनर्जी एफिशिएंट भी थे, लेकिन स्टिल जो है वो हीट जनरेट का प्रॉब्लम अभी भी था। इसमें पहली दफा जो है वो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में सेव कर सकती है। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों सेकंड जनरेशन में यूज होती थी। IBM 7090 की एग्जांपल है, CDC 360। नाउ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1964 to 1971 है। इसमें जो है ICs फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसको आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं। तो इसका जो साइज है वो स्मॉल था, फास्ट भी थी ये देन द सेकंड जनरेशन, और इसके एक्सपेंसेस भी बहुत कम थे। इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर भी आप एक्सेस कर सकते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी आपके पास इंट्रोड्यूस हो गई थी, और ये जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए बनाया गया था। तो इसकी जो एग्जाम्पल्स है हमारे पास वो है IBM 360, PDP 11, मतलब इस टाइप की इनके इमेजेस होती थी। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसका टाइम पीरियड 1971 to now। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था विद VLSI। VLSI किसको कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, थाउजेंड्स ऑफ ICs ऑन अ सिंगल चिप। एक सिंगल चिप पर बहुत सारी मल्टीपल ICs होती है। ये स्मॉल भी है, पोर्टेबल भी है, ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट है, लेकिन इसकी जो वर्क क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, रिलायबिलिटी है, और जो है वो लार्ज मेमोरी है, आप जितना चाहें इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। GUI, GUI कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी आप PC यूज कर रहे हैं अभी, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो सब इसकी एग्जाम्पल है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो है वो बेसिक जो मेन चीज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स भी आती है। इसके अलावा जो है वो कहीं आप जाते हैं तो जैसे फेस आपके रिकॉग्नाइज हो जाता है, आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज हो जाती है, तो ये सब चीजें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं। लेकिन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जो है ज्यादातर अदर कंट्रीज में 1986 to 2000 के टाइम पीरियड में जो है वो काउंट किया जाता है, क्योंकि वो लोग जो है वो रोबोटिक्स पे बहुत पहले ही काम कर चुके थे। उसके बाद का जो 2000 के बाद का जो टाइम पीरियड है ऑनवर्ड्स, उसको जो है सिक्स जनरेशन में काउंट किया जाता है। सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो टोटली ऑप्टिकल बेस्ड सिस्टम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन जो है वो डिटेल में समझा दिया है। मैं हमेशा आपको वीडियो के एंड में कहती हूँ कि आप चीजों को खुद भी गूगल करें, इनको डिटेल से पढ़ें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो फॉर माई नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।